आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई डू योर हेयर स्टैंड ऑन एंड्स व्हेन यू पुल अपार्ट योर कैप? यानी कि जब आप अपने बालों में से कैप को हटाते हैं तो आपके हेयर्स स्टैंड ऑन हो जाते हैं, यानी कि आपके बाल रफली से लगने शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ हेयर रेजिंग फिनोमिना। हेयर रेजिंग फिनोमिना क्या है कि जब आप बालों के ऊपर से कैप को हटाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेड है और यहाँ पर ये है बाल, अगर यहाँ से कैप को हटाया जाता है तो जब इस कैप को हटाते हैं तो यहाँ पे ये इस कैप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं हेयर्स में। जब हेयर्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर तमाम हेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, चार्ज आ जाता है और सेम चार्ज होता है हर बाल के ऊपर, सेम चार्ज होता है। तो जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल होने की वजह से ये बाल स्टैंड ऑन हो जाते हैं, यानी कि इनके जो एंड्स हैं वो स्टैंड ऑन हो जाते हैं, वो रफ से आपको लगने लग जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेयर रेजिंग फिनोमिना बोलते हैं। सो व्हेन वी पुल अपार्ट कैप फ्रॉम आवर हेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैप टू द हेयर्स, एज ऑल हेयर्स एक्वायर द सेम चार्ज, सो दे रिपेल ईच अदर एंड टेंड टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। दिस इज नोन एज द हेयर रेजिंग फिनोमिना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी भी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है विद अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के थ्रू उसको चार्ज किया जाता है विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसको उसके साथ कॉन्टैक्ट के बगैर उसको चार्ज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चार्ज बॉडी या चार्ज रॉड, या इसको हम इबोनाइट रॉड भी कहते हैं, वल्केनाइज्ड, स्पेशल वल्केनाइज्ड रबर होती है ये, इसको हम इबोनाइट रॉड भी कहते हैं, इसको हम चार्ज बॉडी भी कह सकते हैं। जब इसको एक अनचार्ज बॉडी के करीब लाया जाता है, अनचार्ज बॉडी मीन ये कंडक्टिंग एक रॉड है लेकिन इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, जब इस इबोनाइट रॉड को इसके करीब लेके आते हैं तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास, इसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। जब इस इबोनाइट रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको इसके अनचार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं, तो यहाँ पर जो ये अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज रॉड है, इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, इस एंड के ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होगा। ये इस एंड को हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं ए और दूसरे एंड को हम कह देते हैं बी। अब जो दूसरा एंड है इस अनचार्ज्ड बॉडी का, अनचार्ज्ड रॉड का, इसके ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पर इबोनाइट रॉड के ऊपर है। तो जब इबोनाइट रॉड को आप किसी भी, या चार्ज रॉड को आप किसी भी अनचार्ज कंडक्टिंग रॉड के करीब लेके आते हैं, तो जो हिस्सा, जो पार्ट उस कंडक्टिंग रॉड या इबोनाइट रॉड के करीब होता है, उसके सामने होता है, उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, और दूसरा हिस्सा जो कि इबोनाइट रॉड या किसी भी चार्ज रॉड के ऑपोजिट होता है, उसके ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, जो कि चार्ज बॉडी की वजह से होते हैं, जब वो इसके करीब रखा जाता है, तो इसको हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पर ये इबोनाइट रॉड या ये चार्ज बॉडी इसके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर चार्ज, कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो और इस तरह से हो रहे हैं कि जो हिस्सा इस चार्ज बॉडी या इबोनाइट रॉड की तरफ है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे हिस्से के ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस इबोनाइट रॉड के ऊपर है। तो इसको हम, इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कंडक्टिंग बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी इन इट्स प्रॉक्सिमिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी। फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन सबसे पहले हमने बताई, फिर एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन में क्या है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द साइड ऑफ अनचार्ज बॉडी क्लोज टू द चार्ज बॉडी बिकम्स ऑपोजिटली चार्ज। While the other side gains similar charge as that of the charge body, जैसे कि यहाँ पर है ये एक चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो इसके करीब जब इस चार्ज बॉडी को लेके आते हैं तो जो साइड इसकी तरफ है, इस चार्ज बॉडी की तरफ है, उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरे एंड के ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम इस एग्जांपल को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड इज ब्रॉट नियर अ स्मॉल मेटालिक रॉड विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड हियर नियर एबोनाइट रॉड पॉजिटिव चार्ज accumulates at an A while negative charge accumulates at an B and this phenomenon of redistribution of charges on conducting body due to presence of charged body in its proximity is called electrostatic induction। और इस proximity का मतलब है कि जब ये इसके करीब रखी जाती है, किसी भी charged body को uncharged body के करीब रखा जाता है तो उस uncharged body के ऊपर जो charge distribution होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।